दूसरी डिविजन का एनएक्स विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 12 क्लास से पढ़ते हैं। आज हम का विषय ज्योग्राफी और आज वीडियो में आपको चैप्टर 30 जिसका नाम हमारा बनता है स्थानीय क्षेत्र नियोजन से कुछ क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ और ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए जहाँ समय लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। बात करते हैं प्रश्न पहले की। प्रश्न पहले में कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र और नियोजन की परिभाषा दीजिए कि हमारे पास स्थानीय क्षेत्र और नियोजन हमारे पास होता क्या है। स्थानीय क्षेत्र, एक स्थानीय क्षेत्र एक अवस्थिति, स्थल, विशिष्ट मुद्दा, वस्तु या समुदाय है। ये दोनों भौतिक और साथ ही सांस्कृतिक भूदृश्य है। ये स्थानीय उत्पाद प्रस्तुत करता है जैसे हस्तशिल्प और इसके इलाके की विशेषताएं जैसे कि लोक नृत्य, कलात्मक वस्तुएं आदि। नियोजन, यह लोगों को और स्थान को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सुलझाने के तरीके और साधनों की नियुक्ति निकालने का प्रयत्न है। इसका स्थानीय वातावरण और मानव जीवन की गुणवत्ता सुधारने में काबिल लक्ष्य भी होता है। ये होता है स्थानीय क्षेत्र नियोजन। मतलब क्या बनता है कि किस स्थान को लेकर हम कैसे क्या योजना बनाना चाहते हैं स्थानीय क्षेत्र नियोजन कहलाता है। जैसे अगर देखिए अगर हम जहाँ भी आसपास से रहते हैं तो वहाँ लोगों को अपना बिजली मिल सके, साफ पानी मिल सके, साफ सफाई रह सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, कई तरह की जो फैसिलिटी मिलती है मिलनी चाहिए वो उसमें और कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है और कितना अच्छा किया जा सकता है स्थानीय क्षेत्र नियोजन। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न दो की। प्रश्न दो में से कहा जाता है भारत में नियोजन के निम्न स्तर कौन कौन से है। तो आपको बताना है भारत में जो नियोजन होता है, प्लानिंग होती है, वो किस हिसाब से हमारा पर्स का निम्न स्तर बनता है। भारत में नियोजन के विभिन्न स्तर जो हमारा बनता है स्थानीय क्षेत्र नियोजन बनता है, किस स्थान को लेकर बनता है, खंड या लघु स्तरीय नियोजन होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला स्तरीय नियोजन पर हमारा पर काम होता है, राज्य स्तर पर काम होता है, और जो सबसे बड़ा होता है हमारा पर भारत में वह है राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन कि पूरे राष्ट्र को लेकर क्या योजना बनाई जाती है। तो ये हमारा छोटे से लेकर बड़े तक बनता हमारा पर नियोजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें प्रश्न तीन की। प्रश्न तीन से कहा जाता है किसी क्षेत्र के नियोजन के लिए तीन चुनौतियाँ बताइए। किसी क्षेत्र के लिए तीन चुनौतियाँ बताइए। तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किसी क्षेत्र के लिए नियोजन के लिए तीन चुनौतियाँ, पर्यावरण गुणवत्ता में कमी, निर्धनता और कुपोषण और बेरोजगारी ही हमारा पर किसी क्षेत्र के नियोजन के लिए चुनौतियाँ बन जाती है, समस्या बन जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न चार के। प्रश्न चार कहा जाता है संसाधन और मानवीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की क्या आवश्यकता है। कि हमारे जो संसाधन होते हैं सीमित होते हैं और मानवीय आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन क्या बढ़ती जा रही है और दोनों बीच में क्या संतुलन होना बहुत आवश्यक है। संसाधन की उपलब्धता और मानव आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखने की सुव्यक्त जरूरत है क्योंकि नवीकरणीयता और निम्नीकरण के मामलों में संसाधनों की सीमा होती है। अतः मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मनुष्य की आवश्यकताएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है लेकिन यहाँ पर हमारे पे जो साधन होते हैं साधन क्या सीमित मात्रा में है और ऐसे में देखा हर किसी की जरूरत को पूरा करना एक बड़ी समस्या बन जाएगी। इसलिए क्या है कि जो भी यहाँ पर हमारे पर साधन वगैरह बनते हैं हमें उनका क्या करना चाहिए, विवेकपूर्ण सोच समझ के सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा पर संसाधन बने रहे और मानव आवश्यकता भी पूरी होती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न पाँच के। प्रश्न पाँच में से कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र नियोजन क्या है। तो आपको बताना है स्थानीय क्षेत्र नियोजन किस स्थान को लेकर जो नियोजन बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया वहाँ पर किस स्थान को लेकर वहाँ लोगों को अपना पीने के लिए साफ पानी मिले, वहाँ बिजली की व्यवस्था हो सके, साफ सफाई की व्यवस्था हो सके, अपना स्कूल वगैरह की व्यवस्था हो सके, डिस्पेंसरी वगैरह की व्यवस्था हो सके, परिवहन वगैरह की व्यवस्था हो सके। तो यहाँ पर लोगों के जीवन की जो गुणवत्ता होती है उसको सुधारने को लेकर कितना क्या और किया जा सकता है ये बनता है स्थानीय क्षेत्र नियोजन। तो स्थानीय क्षेत्र नियोजन बनाने की प्रक्रिया है जो स्थानीय स्तर की समस्या और मुद्दों का समाधान से संबंधित है। तो ये हमारा बनता है स्थानीय क्षेत्र नियोजन के किसी क्षेत्र को किसी क्षेत्र में लोगों की क्या समस्या है और लोगों की समस्या को कैसे हल किया जाए। तो इसी आगे बढ़ते हैं। बात करते प्रश्न छः की। प्रश्न छः में से कहा जाता है मूलभूत आवश्यकताओं में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो मूलभूत आवश्यकता है यानी मूलभूत आवश्यकता क्या होती है जो एक तरह से बहुत जरूरी होती है इंसानों की आवश्यकताओं को जरूरतों को लेकर। जैसे हमारा पर देखा जाए मूलभूत आवश्यकताओं में सुरक्षित पेयजल यानी पीने के लिए पानी बहुत जरूरी है, बेसिक शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और संचार सुविधाओं के अलावा खाद्य पदार्थ, कपड़ा, मकान शामिल किया जाता है। ये मूलभूत हमारी आवश्यकता होती है जिनका होना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके ना होने पर क्या होगी समस्या पैदा हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न सात के। प्रश्न सात में से कहा जाता है संसाधन अवशेष से क्या अभिप्राय है। तो आपको बताना है संसाधन अवशेष क्या होता है। तो संसाधनों की कमी होना, संसाधन नुकसान पहुँचना ये हमारा संसाधन अवशेष कहलाता है। संसाधन अवशेष संसाधनों के उपलब्ध भंडार में हार्स होना, हार्स यानी कि कमी होना है। कुछ संसाधनों का काफ़ी हद तक अवशेष हो गया है जबकि दूसरों का अवशेष
कम हुआ है। तो ये हमारा मतलब संसाधन अवशय कि जो संसाधन होते हैं उनका जो इस्तेमाल है, उनका जो यूज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, गलत तरीके से होता है, जिस वजह से उनकी कमी हो जाती है, जिसे अपना कहा जाता है संसाधन का अवशय। तो चलिए आगे बढ़ते अब बात करते प्रश्न आठ के। प्रश्न आठ में ऐसा कहा जाता है स्थान क्षेत्र नियोजन क्यों आवश्यक है। तो किस भी स्थान को लेकर वहाँ पर जो अपना नियोजन किया जाता है क्यों जरूरी होता है। क्षेत्र और लोगों की समस्या को जानने के लिए तरीके और माध्यमों का उपाय निकालने का प्रयत्न नियोजन कहलाता है, ताकि वहाँ के लोगों की समस्या दूर हो सके, लोगों का जीवन स्तर काफ़ी अच्छा हो सके। एक विद्यार्थी ग्रुप में हम अध्ययन, परीक्षा और अन्य दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए योजना बनाते हैं। हम जहाँ काम करते हैं और जहाँ रहते हैं वहाँ स्थानीय स्तर की सामान्य समस्याओं का हल ढूंढने में भी हम अपने को जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा रहता है स्थानीय क्षेत्र नियोजन। पिछले आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं प्रश्नों में कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र नियोजन की मूलभूत आवश्यकताएँ क्या बनती है। तो स्थानीय क्षेत्र को लेकर लोगों की मेन जो बेसिक नीड होती है क्या होती है। स्थानीय क्षेत्र नियोजन की मूलभूत आवश्यकताएँ निम्नलिखित है, जैसे हमारा बनता है उद्देश्यों या लक्ष्यों को सुव्यवस्थित रूप से व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना और नियोजन के लक्ष्य प्राथमिकताएँ जिन्हें प्राप्त करना है को निर्धारित करना, योजना को कार्यान्वित करने के लिए संसाधनों का संग्रह करना, योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सामाजिक समूह या संगठन सृजित करना। इसके अलावा बताया कि गई प्रगति का नियमित रूप से नियमित मूल्यांकन और जांच पड़ताल करना कि स्थानीय क्षेत्र में कहाँ क्या कमी रह गई है, ताकि अगली बार वो कमी वगैरह रिपीट ना हो। तो इसी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखा जाए अभी तक मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, वो करना क्या है बार बार इन क्वेश्चन करके आपको तैयारी करनी है, ताकि आपको अच्छे से समझा सके। साथ में इन वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना है, ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा सके। आपसे इन वीडियो का किसी तरह से कोई पैसा नहीं ले जाता, बस हम क्या चाहते हैं कि आप इन वीडियो से अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।